नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का। दोस्तों अभी तक कुछ अलग अलग तरह के हमने क्वेश्चंस किए, हमने एरर करेक्शंस के क्वेश्चंस किए, फिलर्स के क्वेश्चंस किए, वर्ड्स वेब के क्वेश्चन किए, और फिर से हम लोग जो है रिपीट कर रहे हैं एरर के क्वेश्चंस। दोस्तों ये अलग अलग रिपीटेशन से जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, ताकि हर एक टाइप का जो क्वेश्चन आपका क्लर्क में आता है वो सबका सब सारा आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हर क्वेश्चन के माध्यम से, अलग अलग तरह के क्वेश्चन के माध्यम से आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, ये मेरी कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं वापस से हम लोग एरर करेक्शंस के क्वेश्चंस। कुछ नए क्वेश्चंस मैं आपको सामने लेकर आया हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा जो है ये क्वेश्चन है, और आपके आपको जो है ऑलरेडी इसके बारे में पता है कि चार ऑप्शंस हैं, हमको देखना है कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसका करने का तरीका, पहले हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे शुरू से लास्ट तक, एक मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे क्या इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है, और फिर हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से फर्स्ट वर्ड इटसेल्फ से जो है हम लोग इसको ग्रामर के हिसाब से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है दोस्तों, मल्टीपल क्राइसिस इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू अनाउंस एन एनुअल रुपीज 6,000 सपोर्ट टू दोज फार्मर्स टू हैव, ध्यान देना, टू हैव एटलीस्ट 5 एकर्स ऑफ लैंड। फिर से इसको देखते हैं कि मल्टीपल क्राइसिस इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो क्या इसका मीनिंग हो रहा है। देखो सबसे पहले किसकी बात हो रही है, क्राइसिस की बात हो रही है, जो कि कैसा है, मल्टीपल क्राइसिस है, अलग अलग सोर्सेस से या अलग अलग तरह का जो क्राइस है, मतलब एक अकेला कोई क्राइस नहीं, कोई एक अकेली प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग विभिन्न जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। किस चीज़ में, इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, किस चीज़ में दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जो क्राइसिस, जो कमियाँ, जो खामियाँ निकल कर आ रही है, उसकी यहाँ पर जो है बात की जा रही है। ठीक है, जनरेशन फोर्स दी गवर्नमेंट, उसने क्या किया, गवर्नमेंट को फोर्स किया, किस चीज के लिए, टू अनाउंस, कि वो अनाउंस करे, क्या अनाउंस करे, एन एनुअल 6,000 सपोर्ट, एक 6,000 रुपीज का रुपए 6,000 रुपीज का एक सालाना एक सपोर्ट, किसी प्रकार का हेल्प जो है वो दे, किसको दे, जो भी लाभार्थी है या जो भी लोग, खास करके किसकी यहाँ पर बात हो रही है, फार्मर्स को, कि चूंकि इतना सारा प्रॉब्लम्स हैं फार्मर्स के लिए, खास करके अलग अलग तरह के जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें कमियां हैं, उसके कारण गवर्नमेंट को एक मजबूरी में उनको क्या करना पड़ा, उनको अनाउंस करना पड़ा कि वो हर साल जो है 6,000 रुपये उन फार्मर्स को देने वाली है, टू दोज फार्मर्स टू हैव एटलीस्ट 5 एकर्स ऑफ लैंड, की उन फार्मर्स को मिलने वाला है, कम से कम जिनके पास 5 एकड़ की जमीन है, उन फार्मर्स को वहां पर ये फायदा 6,000 रुपए सालाना जो है उनको मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर है, ये तो हमारा हो गया इसका मीनिंग। अब पूरा स्टार्टिंग से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, आप लोग भी जरा अपना दिमाग लगाओ और बताओ मुझे कि किस वाले पार्ट में एरर हो सकता है। ठीक है, देखो किसकी बात हो रही है, मल्टीपल क्राइसिस। दोस्तों स्टार्टिंग वाला वर्ड आप देखो क्या लिखा है, मल्टीपल। अब मल्टीपल शब्द का मतलब ही है, मान लो ये मल्टीपल हमारा जो है ना ये क्या है, एडजेक्टिव है, और इसके बाद क्राइसिस जो है ना ये क्या है, नाउन है। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। अब मल्टीपल शब्द, जैसे मल्टीपल हो गया, ठीक है, मल्टीपल हो गया दोस्तों, या सेवरल हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, सेवरल हो गया, या सर्टन हो गया, सर्टन हो गया, या फ्यू हो गए, या मैनी, कुछ शब्द मैनी है, ये जितने भी वर्ड्स हैं दोस्तों, ठीक है, सेवरल, सर्टन, फ्यू, मैनी, ये जो शब्द हैं इनके बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, क्या आता है दोस्तों, इनके बाद प्लूरल नाउन आता है। अब ये जो वर्ड है इसके बारे में थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, और बड़ा आपको ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों और कहीं किसी ने नहीं बताई होगी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। और मज़ेदार चीज़ है, देखो ये क्या लिखा है, क्राइसिस, ठीक है ना, क्या लिखा है, क्राइसिस। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की भी एरर होती है क्या, सर हमको पता ही नहीं था।
ठीक है। तो इतना जिन बच्चों ने जो है बहुत ज्यादा डीप स्टडी नहीं करी उनको बिल्कुल ये अजीब लगेगा, और जिन बच्चों ने गहन स्टडी करी, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, है ना। देखो क्या लिखा है, क्राइसिस। एक और शब्द होता है दोस्तों, क्या होता है, क्राइसिस। अब दोनों में फर्क आप देखो, फर्क कुछ भी नहीं दोस्तों। ये जो क्राइसिस, दोनों ही नाउन है, ध्यान देना, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, और फर्क जो है वो इतना सा है कि क्राइसिस ये आपका सिंगुलर नाउन है और क्राइसिस जो है ये आपका प्लूरल नाउन है। अजीब, आप देखो कि केवल आई और ई का जो फर्क है उसने सिंगुलर और प्लूरल बना दिया, केवल आई और ई के फर्क ने। आप देखो जब हम स्पेलिंग एरर करते हैं, मिस्टेक करते हैं, कुछ भी लिखते हैं क्राइसिस, तो हम ऐसा कभी नहीं सोचते, ठीक है। लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये आपका सिंगुलर नाउन है, जब आई लगता है तो वो आपका क्या है दोस्तों, सिंगुलर नाउन है, और जब ई लगता है तो वो आपका क्या है, प्लूरल नाउन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बता रहा हूँ, बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखो इसको, कभी भूलना नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आई एस आता है तो सिंगुलर नाउन, और ई एस लगा है क्राइसिस में तो प्लूरल नाउन। तो आप अब शुरुआत मैंने की कि यहाँ पर इस तरह के जो वर्ड हैं जो ये शो करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि इसके बाद ये प्लूरल सेंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, उस केस में हमारा यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा और राइट जो वर्ड है वो क्या होगा दोस्तों, क्राइसिस, ठीक है। तो एक एरर हमारी ये पता चली, मल्टीपल क्राइसिस किस चीज में, इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ए के अंदर जो है हमारा एरर निकल कर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, बी वाला देखते हैं, तो मल्टीपल क्राइसिस इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फोर्स्ड, उसने क्या किया, फोर्स किया, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है, किसको फोर्स किया, गवर्नमेंट को, फोर्स गवर्नमेंट टू अनाउंस एन एनुअल 6000 रुपीस सपोर्ट। यहां तक बिल्कुल बराबर लग रहा है कि उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो अनाउंस करे, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही, कि अनाउंस करे एक एनुअल 6000 रुपीस का सपोर्ट या एक पैकेज, यहां तक ठीक है, मतलब बी वाले के अंदर कोई एरर नहीं, बी वाला हमारा करेक्ट, ठीक है। तो 6000 रुपीस सपोर्ट टू दोस, उन लोगों को, ध्यान देना, सपोर्ट टू दोस फार्मर्स, ठीक है, टू दोस फार्मर्स, उन फार्मर्स को, ध्यान देना, उसके बाद टू हैव एटलीस्ट 5 acres ऑफ लैंड, ये तो यहां पर मिसकनेक्ट लग रहा है कि टू दोस फार्मर्स टू हैव, तो टू हैव के बदले यहां पर कुछ लोग बोल रहे होंगे सर हु हैव आना चाहिए, टू नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही है, है ना, कम से कम टू हैव तो नहीं आएगा, क्या आ सकता है दोस्तों, हु हैव, हु और हैव, ये हो सकता है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ एरर है, हु हैव नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो एरर है, बताओ जरा क्या एरर है भाई। अब मैं देखूंगा कि आप लोगों की कितनी अच्छी प्रैक्टिस है, कितने आप घर पे मेहनत करते हो वो पता चलेगा, बताओ जरा कि हु हैव जो है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एरर है, ग्रामर का एरर है, टेंस का, है ना, हु हैव ही आना चाहिए बट टेंस का एरर है। आप देखो कि यहां पर हमने क्या किया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म चल रहा है, सेंटेंस हमारा जो है पास्ट टेंस में है दोस्तों, किसमें है, देखो, मल्टीपल क्राइसिस इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फोर्स्ड, फोर्स किया, मतलब सेंटेंस जो है वो हमारा पास्ट टेंस में है। अब सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, टू अनाउंस एनुअल 6000 रुपीस सपोर्ट टू दोस फार्मर्स हु हैव, नहीं आने वाला है यहां पर, हु क्या हो जाएगा दोस्तों, हैड, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, हु हैड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, हु हैड एटलीस्ट 5 acres ऑफ लैंड, जिनके पास की एटलीस्ट कम से कम कितनी जमीन है, 5 acres है, ठीक है। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं ना कि दोस्त उन लोगों की बात हो रही है जो, है ना, तो दोस्त के बाद हु का एक आप बोल सकते हो कि एक पेयर भी बनता है, कि तू दोस्त उन लोगों की बात हो रही है जो, कि इस तरीके से किन किन फार्मर्स की बात हो रही है, उन फार्मर्स की बात हो रही है जो कि, तो दोस्त फार्मर्स हु, और हु के बाद अगर प्रेजेंट टेंस होता तो है, बट यहां पर पास्ट टेंस का सेंटेंस है और इसलिए जो है हमारा हु हैव के बदले क्या होने वाला है, हु हैड, Who had। तो दोस्तों एक तो ये है कि हम इसको who had कर सकते हैं, एक और तरीके से हम इसको कर सकते हैं, कैसे मैं बताता हूं, कि देखो कि the government to announce an annual 6000 rupees support to those farmers having at least 5 acres of land, कि ऐसे फार्मर जिनके पास है,
है ना, हैविंग, जिनके पास है कम से कम 5 एकड़ की जमीन, तो ये दोनों ही आपके सही होंगे। हु हैड भी हो सकता है, हैविंग भी हो सकता है, लेकिन टू हैव यहां पर नहीं होने वाला है। ठीक है, टू हैव यहां पर नहीं होने वाला है। एरर जो है वो हमारा डी वाले सेक्शन में है, ठीक है ना, डी वाले सेक्शन में है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर हमारा ए और डी, ये दो हमारे एरर के पॉइंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, एक्सप्लेनेशन समझ में आया। चलिए एक बार और पूरा राइट हम लोग पढ़ते हैं। मल्टीपल क्राइसिस इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू अनाउंस एन एनुअल ₹6,000 सपोर्ट टू दोज फार्मर्स हु हैड, या फिर टू दोज फार्मर्स हैविंग एट लीस्ट 5 acres ऑफ लैंड। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 61 वाला एरर का क्या लिखा है दोस्तों। द एनल्स ऑफ वॉर एक्सप्लेन दैट फॉरेन इन्वेजन डिस्ट्रॉयड सिटीज आफ्टर सिटीज एंड प्लंडर्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। क्या यहाँ पर मीनिंग है? देखो किसके बारे में सबसे पहले बात हो रहा है, एनल्स के बारे में। देखो द और उसके बाद एनल्स। अब ये एनल का मीनिंग काफी सारे बच्चों को पता भी होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। देखो एक चीज इसके बारे में याद रखो, क्या कि द, द के बाद हमेशा क्या आता है दोस्तों, नाउन आता है। इसका मतलब एनल्स जो है हमारा ये क्या है, नाउन है। अब इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो एनल एक वर्ड होता है, पहले तो इसके सिमिलर साउंड वाले कुछ शब्द हैं वो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। देखो दोस्तों सब एक होता है एनल, एक होता है ए डबल एन यू एल एनल, ठीक है, और एक और होता है एनुअल ए डबल डबल एन यू ए एल एनुअल। ठीक है, अब ये तीनों ही वर्ड के जो मीनिंग है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। देखो एनल्स का मतलब होता है जिसमें एस लगा है, ठीक है ना, ध्यान देना कि जिसके अंदर एस लगा हुआ है। इसका मतलब होता है रिकॉर्ड्स ऑफ वॉर, जो वॉर वगैरह लड़े जाते हैं उसकी पूरी की पूरी जो रिकॉर्ड्स, पूरा जो उसका खाका जो तैयार किया जाता है, पूरे उसके जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसको कहा जाता है एनल्स। ठीक है, क्लियर है। एक होता है दोस्तों एनल। अब ये एनल का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, कैंसिल कर देना। तो इस एनल का, जिसकी स्पेलिंग क्या है, ए डबल एन यू एल, इसको, इसका मतलब होता है कैंसिल करना। और एनल्स जिसमें एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है रिकॉर्ड्स ऑफ वॉर, युद्ध के जो है रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्लियर है। एक ये होता है एनुअल। तो एनुअल का मतलब आपने कई बार इसको सुना होगा, एनुअल का मतलब होता है ईयरली, ईयरली सालाना, इस तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है, सालाना जो वर्ष में एक वर्ष एक बार होता है उसको एनुअल, ईयरली, सालाना, इसका मीनिंग आपको पता है। बट ये तीन शब्द हैं दोस्तों, तीनों ही आपके नाउन है। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना, एनल्स जो है ये हमेशा किस फॉर्म में आता है, प्लूरल नाउन के फॉर्म में आता है। ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन आप याद रखें। अब यहाँ पर आप देखो कि ये क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है, है ना, इसका मतलब है रिकॉर्ड्स ऑफ वॉर। तो एनल्स ऑफ वॉर बेसिकली रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हो, या ऐसे रिकॉर्ड्स जो किससे संबंधित है, वॉर से संबंधित। ठीक है, तो ये जो एनल्स हैं वॉर के, ये एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान देना दोस्तों, ये एनल्स जो है ये एक्सप्लेन करते हैं क्या, दे एनल्स जो है दोस्तों ये हमको एक्सप्लेन करते हैं दैट फॉरेन इन्वेजन डिस्ट्रॉयड। क्या एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो फॉरेन इन्वेजन है, बाहर का जो विदेशी लोगों ने जो इन्वेजन किया हमारे ऊपर, एक तरह से अटैक किया, ठीक है, अटैक किया, हमला किया, इससे क्या हुआ कि इससे डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्ट्रॉयड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सिटीज आफ्टर सिटीज, सिटीज आफ्टर सिटीज इससे डिस्ट्रॉय हो गई, और उसके साथ साथ क्या हो गया, प्लंडर्ड, बहुत सारी चीजें जो है प्लंडर्ड हो गई। प्लंडर्ड का मतलब होता है बिल्कुल उजाड़ना, उजाड़ना, या एक तरह से तोड़ना, तोड़ना फोड़ना, तोड़ फोड़ कर देना, एक तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, तो एंड प्लंडर्ड लॉट ऑफ, काफी सारी इन्होंने क्या कर दी, वेल्थ,
जो है उसको लूट लूट लिया, उसको छीन लिया, कहाँ से? इंडिया से, फ्रॉम इंडिया से। ठीक है, तो ये मीनिंग इसका क्लियर हुआ। किसके बारे में बात हो रही है कि वॉर के जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें समझाते हैं कि ये जो फॉरेन विदेशी जो हमले हुए उसके कारण सिटी दर सिटी, इस तरीके से बोलते हैं ना, सिटी दर सिटी, बहुत सारे शहर दर शहर जो है वो उजाड़ दिए गए, बहुत सारी जो उसकी धन दौलत है वो भारत से लूट ली गई। ये इसका सेंस आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा आपको समझाऊं तो देखो, द एनल्स प्लूरल नाउन है, ठीक है, यहाँ पर ये सिंगुलर नाउन नहीं है, ये क्या है? प्लूरल नाउन है। तो किसके एनल्स? वॉर के। अब देखो प्लूरल नाउन, ध्यान देना दोस्तों, प्लूरल नाउन है, और तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो कैसा आना चाहिए? प्लूरल वर्ब। ठीक है, देखो प्लूरल नाउन के साथ वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल वर्ब होना चाहिए। ठीक है, और सिंगुलर नाउन अगर हमारा है तो वर्ब भी हमारा कैसा होना चाहिए दोस्तों? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है या सिंटैक्स का रूल है। अब यहां पर प्लूरल नाउन है, किसका? वर्ब का। एक्सप्लेन, तो देखो ये आपका प्लूरल वर्ब है। अगर इसमें एस होता, ध्यान देना, अगर ये होता एक्सप्लेन्स, तो यहां पर फिर हमको एनल करना होता। ठीक है, ये हमारा सिंगुलर लेना होता। ठीक, तो इस हिसाब से जो है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हमारा बिल्कुल सही है। इसका मतलब ए वाले के अंदर कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, ए वाला आपका एकदम करेक्ट है कि द एनल्स ऑफ वॉर एक्सप्लेन, क्या समझाता है कि दैट, यहाँ तक ठीक है। फॉरेन इन्वेशन, बाहर का जो बाहरी जो हमला है, अटैक जो है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्या डिस्ट्रॉय कर दिया दोस्तों? सिटीज आफ्टर सिटीज। तो ये आपका जो एक फ्रेजल एक्सप्रेशन है या ये जो आपका फ्रेज है, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है, आपको याद रखना है दोस्तों। कभी भी इस तरीके से, जैसे सेम नाउन आया आपके पास, नाउन वन आया और उसके बाद जो है कोई भी प्रीपोजिशन आया, उसके बाद वापस नाउन वन आया, इसका मतलब सेम सेम अगर नाउन है उस कंडीशन में, वो हमेशा याद रखना, उस कंडीशन में दोनों नाउन आपके हमेशा क्या होने वाले दोस्तों? सिंगुलर नाउन होने वाले हैं, प्लूरल नहीं होगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वो आपके सेम सेम नाउन होना चाहिए। जैसे सिटी सिटी सेम है, तो ये आपका प्लूरल नहीं होने वाला है। सही हमारा जो फॉर्मेशन है वो होगा सिटी आफ्टर सिटी। ठीक है ना, सिटी आफ्टर सिटी। बहुत सारे ऐसे दूसरे एग्जांपल्स भी है, जैसे बैक टू बैक, क्या बोलते हैं हम लोग? बैक्स टू बैक्स नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? बैक टू बैक बोलते हैं। ठीक है, बैक टू बैक या डे इन डे, डी एंड डी, इस तरीके से है ना। बैक टू बैक हो गया आपका, डे एंड डे हो गया, या फिर डोर टू डोर है ना, डोर टू डोर सर्वे जिसको बोला जाता है। तो इन सारे जो आपका ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है इस तरह का, ये कभी भी हमारा प्लूरल नहीं होता है, हमेशा क्या लगाएंगे हम लोग? सिंगुलर नाउन ये आपका आने वाला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या आने वाला है? हमेशा सिंगुलर नाउन आने वाला है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, और राइट एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सिटी आफ्टर सिटी, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब एरर जो है वो हमको पता चला कि इसमें सी वाले सेक्शन में हमारा एरर है, कि क्या होगा? सिटी आफ्टर सिटी एंड, और इन्होंने क्या कर दिया? प्लंडर्ड कर दिया, लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, लूट लिया उन्होंने, क्या किया? बहुत सारा धन दौलत भारत से जो है वो लूट कर वो लेके चले गए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका सिंगल एरर है, सी वाला जो है ये हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं एक बार फिर से, पूरा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, है ना, इसका थोड़ा सा हम एक्सप्रेशंस भी समझते हैं कि एनुअल्स ऑफ वॉर ये एक्सप्लेन करता है दैट फॉरेन इन्वेजन ने डिस्ट्रॉय कर दिया सिटी आफ्टर सिटी एंड। देखो एंड आया दोस्तों, एंड का मैंने आपको बताया होगा, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि एंड के बाद सेम आप वर्ड लेते हो, सेम सेंस का वर्ड लेते हो। अगर आपका देखो यहाँ पर डिस्ट्रॉयड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब एंड के बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही आना चाहिए। ठीक है, सेकेंड फॉर्म आना चाहिए, कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया?
डिस्ट्रॉय कर दिया सिटी आफ्टर सिटी, और इन्होंने क्या किया, प्लंडर कर दिया, है ना। तो सेम सेंस के वर्ड आना चाहिए एंड के बाद, तो डिस्ट्रॉयड एंड प्लंडर ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और लॉट ऑफ वेल्थ, तो वेल्थ हमारा जो है वैसे भी प्लूरल सेंस में आता है, सेंस इसका देखो अ लॉट ऑफ जो एक्सप्रेशन है ना, ज्यादातर अ लॉट ऑफ के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल नाउन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वेल्थ है ये आपका प्लूरल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर उस तरीके से भी सही है, है ना। बहरहाल आंसर जो है वो हमारा कौन सा है, सी वाला हमारा राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। While only a few have better standard of living than the majority in India, majority of unorganized farmer fails to get even 2 meals a day. ठीक है, क्या इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है कि while only a few have better standard of living की अगर हम बात करें तो केवल कुछ, यहाँ पर a few है ना, a few का मतलब होता है कुछ, केवल कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनका क्या है दोस्तों, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है देन द मेजॉरिटी। कंपेयर करें अगर हम किससे, मेजॉरिटी से इन इंडिया, तो ज्यादातर जो जनसंख्या है भारत में, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया में, उनके कंपैरिजन में मात्र कुछ, केवल कुछ जो है उनका क्या है, हैव बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि उनका जो है कुछ का क्या है, केवल बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अच्छा, उसके बाद देखो कॉमा है और एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। देखो क्या बोला जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फार्मर फेल्स टू गेट इवन 2 meals अ डे, और उसके साथ साथ एक और क्या बात बताई जा रही है कि मेजॉरिटी ज्यादातर जो है किस तरह के फार्मर दोस्तों, अनऑर्गेनाइज्ड फार्मर। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश भारत में जो है ज्यादातर जो फार्मर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो गवर्नमेंट को जो है क्लियर नहीं है, उसके अलावा गवर्नमेंट का डायरेक्ट उनके पास सपोर्ट नहीं पहुंच पाता है, बहुत सारी ऐसी जो है जिसकी गवर्नमेंट की लिस्ट में अगर वो नहीं है, मतलब वो एक अनऑर्गेनाइज्ड फार्मर है, या फिर जिनके पास बहुत कम जमीन है, बिल्कुल 2 या 1 या 2 एकड़ या इस तरह से 5 एकड़ के अंदर अंदर जमीन है, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है कि इस तरह के जो अनऑर्गेनाइज्ड फार्मर हैं वो फेल हो जाते हैं किस चीज़ के लिए, 2 meals a डे की, कई बार उनको एक दिन में 2 समय का जो खाना है वो भी कई बार इनको मिल नहीं पाता है ना। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखो आप इसको समझते हैं पूरा डिटेल में। सबसे पहले देखो शुरुआत किससे हो रही है दोस्तों, वाइल से। अब वाइल का मैं आपको बताता हूँ कि वाइल जो है ये कब यूज़ करते हैं। देखो वाइल जब भी हमने यूज़ किया सेंटेंस में, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि टू एक्शंस, ध्यान देना, टू एक्शंस टेकिंग प्लेस, टू एक्शंस टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, कि एक ही समय पर 2 actions यहाँ पर हो रही है या होने की बात हो रही है। देखो एक एक्शन क्या है, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो वाइल ओनली अ फ्यू, कुछ जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बात खत्म हो गई कि केवल कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है, और उसके साथ या साथ ही साथ ऐसे देखो, मतलब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो कुछ लोगों की बात की जा रही है, और उसके साथ साथ जो अनऑर्गेनाइज्ड फार्मर है उनकी भी यहाँ पर बात हो रही है कि मेजॉरिटी ऑफ जो अनऑर्गेनाइज्ड फार्मर है उनकी बात हो रही है। तो एक तो ये पहली बात तो ये कि कुछ लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर नहीं है, तो और दूसरा जो है कि फार्मर्स जो है वो भी फेल हो रहे हैं, ठीक है। फार्मर्स जो है उसके साथ साथ वो भी जो है 2 समय की जो खाना है उसको वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो ये यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो वाइल मतलब दो एक्टिविटीज़ जो है, दो एक्शंस जो है एक ही समय पर हो रहा है, ये क्या दर्शा रहा है दोस्तों, वाइल। अब देखो वाइल ओनली अ फ्यू, कुछ, अब हम देखते हैं यहाँ पर देखो अ फ्यू। अब फ्यू का रूल जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक होता है फ्यू, ठीक है, दूसरा होता है अ फ्यू, और एक होता है द फ्यू, ठीक है, द फ्यू। तो यहाँ पर आप देखो कि फ्यू जो है, फ्यू देखो अ फ्यू, तो वाइल ओनली अ फ्यू, केवल कुछ जो है
हैव बेटर, कुछ लोगों की जो लाइफ है वो बेटर है। तो ये अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, और ये हमारा पॉजिटिव सेंस में आता है, ठीक है ना दोस्तों। ये किस में आता है? पॉजिटिव सेंस में आता है। फ्यू जो है इसका मतलब है थोड़े से, फ्यू का मतलब होता है थोड़े से। अब आप बोलोगे सर कुछ और थोड़े से में क्या अंतर है? ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये समझो कि फ्यू जो है ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। जब आप किसी को मना करते हो, किसी को टालने का काम होता है, जब आपको ये शो करना होता है कि मेरे पास बहुत ही कम है ना, उस तरीके से सेंस में बोलेंगे तो फ्यू। और अ फ्यू का मतलब है कि कुछ एक होप, उम्मीद जताना, एक पॉजिटिव सेंस में बताना। उस तरीके से जब हम बताते हैं तो ये पॉजिटिव में, जैसे यहाँ पर देखो कि केवल कुछ जो है उनकी लाइफ जो है वो क्या है, बेटर है, बेहतर है। यहाँ पर इस सेंस में बात की जा रही है, ठीक है। और द फ्यू का मतलब केवल वही, केवल वही। डेफिनेट सेंस में यहाँ पर इसको जब बोलना होता है तो हम लोग द फ्यू का यूज करते हैं। जब हम डेफिनेट स्पेसिफिक बोलते हैं कि द फ्यू पीपल who have better standard of life were shifted to some other city, इस तरीके से कि कुछ जो कुछ लोग जिनकी standard of life अच्छी थी वो city में, शहर में shift हो गए, है ना। तो specific sense में हम लोग क्या use करते हैं? The few use करते हैं। चलिए question पर आ जाते हैं। तो देखो only a few, तो a few जो है ये क्या है? plural, भाई कुछ है ना, तो मतलब plural expression है, है ना। और प्लूरल नाउन आप इसको मान लेते हैं, चलिए तो ये प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी नाउन नहीं, ये प्लूरल आपका क्या है? सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ यहाँ पर वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो ऑफ यू के साथ हैस नहीं होता है, है होता है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट और उसके बाद प्लूरल वर्ब, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो अब देखते हैं कि ओनली अ फ्यू have better standard, कि कुछ ही का जो है क्या है? बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ए में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बराबर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। देन अब देखो कंपैरिजन की बात हो रही है कि भाई कुछ क्या है, किससे? देन द मेजोरिटी, मेजोरिटी से अगर हम बात करें भारत में तो वो है, ठीक। मतलब यहां तक तो मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं दिख रहा है, कोई भी एरर मुझे नहीं दिख रहा है। ए और बी वाला जो ऑप्शन है दोस्तों हमारा करेक्ट लग रहा है। आगे देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फार्मर। तो ये जो वर्ड है आपका मेजॉरिटी, मेजॉरिटी जो है जब आप इसको किस तरह से यूज कर रहे हो, सब्जेक्ट की तरह, देखो ध्यान से, मेजॉरिटी हमारा ये वर्ड है और इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं? सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं दोस्तों। अब इसकी दो कंडीशंस बनेगी, ठीक है। या तो क्या होगा, आप अगर डायरेक्ट मेजॉरिटी है और उसके बाद, ध्यान देना, डायरेक्ट आपका क्या लिखा है दोस्तों, आपने मेजॉरिटी लिखा है और उसके बाद अगर आप वर्ब आता है डायरेक्ट, तो उस केस में क्या होगा कि ये वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब होगा। और नाउन भी अगर आता है, ध्यान देना, नाउन भी अगर आता है तो सिंगुलर नाउन, और वर्ब अगर आता है तो सिंगुलर वर्ब। और मेजॉरिटी के बाद अगर ऑफ प्रीपोजिशन आपने लगाया, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसके बाद जो नाउन आता है वो भी प्लूरल नाउन और जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल वर्ब आने वाला है, ये आपको याद रखना है। तो मेन आपको क्या याद रखना है कि मेजॉरिटी और उसके बाद देखो ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका मतलब अब कोई भी जो नाउन आएगा वो कैसा होना चाहिए दोस्तों? प्लूरल नाउन होना चाहिए। मेजॉरिटी, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन, और फिर जो नाउन होता है वो प्लूरल होना चाहिए, और उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पर तो ऑफ, और ये क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड फार्मर, तो ये फार्मर यहां पर सिंगुलर है, फार्मर के बदले ये हो जाएगा फार्मर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स, जो कि हमारा प्लूरल नाउन बन जाएगा, ठीक। आगे फार्मर्स फेल्स, अब देखो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये फेल्स का एस हम लोग यहां से रिमूव कर देंगे और केवल फेल, जो कि हमारा प्लूरल वर्ब है, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। फेल टू गेट इवन टू मील्स अ डे, ये बिल्कुल हमारा बराबर एक्सप्रेशन है, ठीक, आंसर आपके सामने। मतलब एरर जो है दोस्तों हमारा सी के अंदर एरर और डी वाले के अंदर एरर, ठीक है। देखो इस तरह से कुछ आता है कि मेजॉरिटी और उसके बाद डायरेक्ट अगर कोई नाउन आता है
ठीक है, तो उसमें आप जैसे मेजॉरिटी, ये देखो मेजॉरिटी ऑलवेज ऑलवेज प्रीवेज, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया। ये देखो वर्ब है, तो ये आपका क्या होने वाला है, सिंगुलर वर्ब की मेजॉरिटी जो है वो हमेशा प्रिवेल होती है, हमेशा फैलती है, उसकी बात हमेशा मानी जाती है, इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्रेशन है। तो मेजॉरिटी अकेला है, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन नहीं है, तो उस कंडीशन में वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। या फिर अगर नाउन भी आता है तो वो भी आपका क्या होने वाला है, सिंगुलर नाउन होने वाला है। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि मेजॉरिटी के बाद अगर ऑफ प्रीपोजिशन आया तो उस कंडीशन में नाउन आपका प्लूरल होगा, और वर्ब अगर जो भी आने वाला है वो भी प्लूरल वर्ब होने वाला है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए एक बार राइट आंसर पढ़ते हैं। व्हाइल ओनली अ फ्यू हैव बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन द मेजॉरिटी इन इंडिया। ठीक, आगे देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स फेल टू गेट इवन टू मील्स अ डे। टू मील्स अ डे, ये आपका एक एक्सप्रेशन है कि दो वक्त की रोटी, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना दो वक्त की रोटी, वैसे इंग्लिश में बोला जाता है टू मील्स अ डे, और ये बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि टू मील्स डेज वगैरह, कोई भी चेंज इसमें नहीं होने वाला है, बिल्कुल एज इट इज होगा, टू मील्स अ डे, ये करेक्ट है। एरर हमारा जो है सी और डी जो है, इसके अंदर एरर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63 वाला हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी द ईसीआई कैन नॉट अलाउ टू मेक अनएथिकल स्टेटमेंट्स अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट और ऑर्गेनाइजेशन। ये फिर से इसको पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या बताया जा रहा है दोस्तों। Being a responsible authority, देखो being से यहाँ पर शुरुआत की गई है। अब being का क्या मतलब होता है, होते हुए। ठीक है, होते हुए, अब क्या होते हुए, ध्यान दो दोस्तों कि being a responsible authority, एक जिम्मेदार। ठीक है, responsible का मतलब होता है जिम्मेदार, authority, एक जिम्मेदार authority होते हुए आगे क्या, द ECI, ये जो भी ECI एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कैन नॉट अलाउ, ये अलाउ नहीं कर सकती। ठीक है, कैन नॉट, अब देखो दोस्तों क्या होता है कि कैन आया, अब कैन के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना है, तो क्या होगा, कैन नॉट अलाउ, ये तो ठीक है, कैन नॉट अलाउ क्या, टू मेक, कैन नॉट अलाउ टू मेक अनएथिकल स्टेटमेंट, कि ये इनको इस चीज की परमिशन नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये ECI जो है एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, इस कारण से जो है ये इनको इस चीज की परमिशन नहीं है कि वो कर सके क्या, अनइथिकल स्टेटमेंट्स दे सके, ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट्स दे सके, ऐसे स्टेटमेंट्स जो बिल्कुल गलत हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स वो दे सके सके, उस चीज की उनको अलाउ परमिशन नहीं है। किसके बारे में, अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट या फिर ऑर्गेनाइजेशन, किसी के भी प्रति वो जो है फॉल्स गलत स्टेटमेंट देने की उनको परमिशन नहीं है। ठीक, ये इसका मीनिंग अब देखते हैं। देखो यहाँ पर शुरुआत हो रही है बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, एक जिम्मेदार अथॉरिटी होने के होते हुए। ठीक, द ECI कैन नॉट अलो, कैन नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका क्या मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर ए के अंदर कोई एरर नहीं, बी के अंदर कोई एरर नहीं, ये दोनों हमारे क्लियर है। आगे चलते हैं, तो देखो कैन नॉट अलाउ टू मेक, तो ये टू मेक का हम थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं दोस्तों। देखो क्या लिखा है, अलाउ, अब ये अलाउ जो वर्ड है ये हमें दो कंडीशंस देता है। ठीक है ना, कितनी कंडीशंस देता है, दो कंडीशंस देता है। एक तो क्या होगा दोस्तों, अलाउ, अलाउ के जस्ट बाद में अगर हमको वर्ब लिखना है, अलाउ के जस्ट बाद में अगर हमको वर्ब लिखना है तो वो वर्ब क्या होगा, वर्ब के साथ ing फॉर्म लगने वाला है। इसका मतलब ये जेरेंट का जो फॉर्म है वो फॉर्म हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। ठीक है ना, कौन सा फॉर्म लगाने वाले हैं, जेरेंट का फॉर्म लगाने वाले हैं। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं, जैसे माय पेरेंट्स अलाउ
माई पेरेंट्स अलाउ विजिटिंग नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक दूसरे सेंस का हम लोग सेंटेंस ले लेते हैं कि हाँ, आप ले सकते हो कि टीचर डू नॉट अलाउ कमिंग लेट इन द क्लास, ठीक है ना। ये हमारा सही हो जाएगा कि टीचर डू नॉट, अब जैसे मान लो बहुत सारे टीचर हैं, चलिए एक सिंगल टीचर है तो डज नॉट हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि टीचर डज नॉट अलाउ कमिंग लेट इन द क्लास, कि टीचर जो है किस चीज की परमिशन नहीं देती है, क्लास के अंदर लेट आने की जो परमिशन है वो टीचर नहीं देती है, ठीक है। तो देखो सीधा अलाउ, अलाउ के बाद क्या आ गया हमारा वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, ठीक है ना, क्लियर हुआ। एक और एक्सप्रेशन होता है अलाउ का दोस्तों, उसमें क्या होता है कि मान लो अलाउ आपने लिखा, ठीक है, अलाउ लिखा, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है जो जनरली क्या होगा, नाउन होगा या फिर पजेसिव, या फिर क्या होगा दोस्तों, पजेसिव प्रोनाउन होगा, जैसे हिम या देम, हिम देम, इस तरह से जो पजेसिव प्रोनाउन है वो होंगे, ठीक है। तो इनके ये होगा या तो ऑब्जेक्ट में या तो आपका कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा। आप ध्यान दो कि अलाउ और अलाउ के बाद सीधा ऑब्जेक्ट अगर आता है, उस कंडीशन में वर्ब आप क्या करोगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। टू का वर्ब का, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि I allowed him to come to my home, ठीक है। अब देखो I allowed him, मैंने उसको क्या कर दिया, allowed कर दिया, किसको कर दिया, him को। अब him क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद अगर आपको क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हम लगा सकते हैं, मतलब दोस्तों अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी द ACI कैन नॉट अलाउ मी टू मेक अनएथिकल स्टेटमेंट, या कैन नॉट अलाउ हिम टू मेक अनएथिकल स्टेटमेंट, इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो ये टू मेक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई ना कोई कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, ECI इटसेल्फ की बात हो रही है। हाँ कैन नॉट अलाउ इटसेल्फ हो सकता था, ठीक है, तो इटसेल्फ यहाँ पर वो वर्ड है नहीं। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि ग्रामर का अगर हमको एरर देखना है तो टू मेक के बदले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम बना देते हैं मेकिंग, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, मेकिंग। अब आप लोग बोलोगे कि सर हम लोग क्या यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। देखो दोस्तों ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो उसका सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब सेंटेंस के अंदर अपने को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, हमको मेनली जो एरर हमको ढूंढना है, तो एरर हमको ग्रामर के हिसाब से देखना है। तो ग्रामर में अगर आप देखोगे तो टू मेक जो है इसको हम लोग मेकिंग कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रामेटिकली ये एरर है इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नया शब्द एक लिखना, ठीक है, वो ठीक नहीं है, है ना। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एरर जो है वो हमारा सी के अंदर है, बी वाला जो है वो रॉन्ग नहीं है, ठीक है। ग्रामर के हिसाब से आपको चेक करना है कि एरर आपका क्या है, ठीक। तो टू मेक के बदले यहाँ पर मेकिंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो आप फिर से कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी द ECI कैन नॉट अलाउ मेकिंग अनइथिकल स्टेटमेंट्स अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, कैंडिडेट और ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा, और सी के अंदर जो है दोस्तों आपका एरर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।